हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल मीत सर मैथ्स। उम्मीद है तुसी सारे तंदुरुस्त होंगे ते तुहाडी स्टडी ते सितंबर एग्जाम्स की प्रिपरेशन है जिहड़ी ओह वधिया चल रही होएगी। हाँ जी, इन्हां एग्जाम्स की प्रिपरेशन दे लई ही 9th क्लास दे लई मैथ सब्जेक्ट का एक सैंपल पेपर जो डिपार्टमेंट ने भेजा है, हाँ जी डिपार्टमेंट के वल्लों आया यह पेपर। इस तो पहला हालांकि एक सैंपल पेपर आप सोल्व कर लिया सी, तां एक तरह नाल यह दूजा सैंपल पेपर हो जाएगा। इनू सोल्व करांगे अज दी इस वीडियो दे विच। चैनल नू जरूर सबसक्राइब कर दिओ भाई, पहला जेकर अजे तक सबसक्राइब नहीं किया ते नाल दी नाल बैल आइकन नू प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ते टैप कर दिओ ताकि साडियां सारियां लेटेस्ट वीडियोज़ दी नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सकन। हाँ जी, आ चीज़ा आप पहले ही डिस्कस कीतिया हुई कि किन्ने एक एक दे क्वेश्चन आने हैं, फिर दो दो दे, चार चार दे, ते लास्ट छे दे सीधे आ जाने आप आंसर से। ये सैंपल पेपर ने बई अपनी तैयारी पूरी तुसी करके जाना, ये सैंपल पेपर ने ते अपनी तैयारी के नाल नाल रिविजन इन दे विचों तुसी कर सकते हो। फर्स्ट है, हालांकि ये जिहड़ा हले सैंपल पेपर है ये पंजाबी मीडियम से अवेलेबल है, सो आपां उहनूं ही सोल्व कर रहे हैं। तो जिवें ही इंग्लिश दे विच ये अवेलेबल होएगा मैं अपलोड कर दाँगा। हाँ जी, आप डिस्कशन है जी इंग्लिश दे विच भी करांगे ताकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी पता लग जाए, तो जिवें ही इंग्लिश अवेलेबल होएगा तो अपलोड कर दिता जाएगा। तो पहले क्वेश्चन है, 0 ते √5 के विचकार किन्नियां परमेय संख्यावां यानी कि रैशनल नंबरस ने। हाँ जी, आपां नूं पता है कि दो गिवन नंबरस दे विच हमेशा इनफाइनाइट यानी कि अनंत या अणगिणत रैशनल नंबर परमेय संख्यावां हुंदियां ने, सो डी ऑप्शन करैक्ट है। एक बिंदु यानी कि एक जड़ा पॉइंट हुंदा है उसका पसार यानी डायमेंशन दी गिनती कितनी हुंदी है, हुंदी है 0, ना क्योंकि इसकी लेंथ हुंदी है ना ब्रेथ ना हाइट, यानी कोई लंबाई चौड़ाई तो ऊंचाई नहीं हुंदी, सो इसका पसार हो गया 0। अगे 6√5 ते 2√5 नूं कहिंदा मल्टीप्लाई करिए तां की मिलेगा, 6√5 गुणा 2√5 ये आ जाएगा 6 × 12 रूट दे नाल √5 का हो जाएगा स्केयर, स्केयर नाल इहनूं आपां कट दिंदे हुंदे आ, सो 12 × 5 = 60 आंसर आ जाएगा। अगे √1/7 का परमेयीकरण यानी कि रैशनलाइजेशन करन ते की मिलता है, सो √1 तां 1 ही हुंदा, 1/√7 बन गया। ये क्वेश्चन तो तुहाडी बुक 'च हैगा ही है बई, इहनूं आपां रैशनलाइज करन लई एवें करदे आ, ਤਾਂ √7/√7 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ √7/7 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ 'ਤੇ। ਪੀ ਐਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ P2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ ਆ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 2 ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸੋ 2 × 2 ² −2 + 2 ਆਹ ਤਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 2 × 2 ² ਹੁੰਦਾ 4, 2 × 4 = 8, ਸੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਖੰਡ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਥਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰ ਖੁਦ ਬਣਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ −2 ਅਤੇ −5 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸ ਦੇ 10 ਆਉਣਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ −10 ਆਉਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ −10 ਆਉਣਗੇ, ਸੋ ਆਹ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2x² ਬਣ ਜੂਗਾ, −4x, −5x, −9x ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਸੋ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਹ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ x³ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ, x³ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਿਆ ਮਾਈਨਸ, ਇਕੱਲਾ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ −1, ਸੋ −1 ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 3rd ਚੈਪਟਰ 'ਚੋਂ 0 0। ਲੇਟਵੀਂ ਅਤੇ ਖੜਵੀਂ ਰੇਖਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਅਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਲੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਆਡਰੈਂਟ, ਚੌਥਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ। ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ 0 ਤੋਂ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕਿਰਨ, ਇੱਕ ਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, 180 ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਐਵੇਂ ਖੜਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ 180 ਹੀ ਬਣਨਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਰਬੰਗ ਸਮਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਨਗਰੂਐਂਸੀ ਦਾ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, SAS ਵੀ ਹੁੰਦਾ, RHS ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ASA ਵੀ ਹੁੰਦਾ, AAA ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰੀ ਕੋਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਹੁੰਦਾ 180 ਡਿਗਰੀ। 180 ਡਿਗਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਗਲ ਪੀ ਐਂਗਲ ਕਿਊ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਪੀ ਹੈ, ਆਹ ਕਿਊ ਹੈ, ਆਹ ਆਰ ਹੈ, ਆਹ 50 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਵੀ ਐਂਗਲ ਹੈ 50 ਡਿਗਰੀ, ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਹੈ 3.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਕਿਊ ਆਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਹੋਊਗੀ 3.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਈਡਸ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਇਕੁਅਲ ਐਂਗਲਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ 7 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਅਰਧ ਪਰਿਮਾਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਮੀ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਐੱਸ ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਪਲੱਸ ਸੀ ਓਵਰ 2 ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਏ ਬੀ ਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਪਰਿਮਾਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਅਰਧ ਪਰਿਮਾਪ ਸੀ, ਇਹ ਪਰਿਮਾਪ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋ ਸਾਈਡਸ ਦਾ ਜੋੜ ਏ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦਾ ਜੋੜ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਟਰੂ ਫੋਲਸ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟੀਜਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਰੇਕ ਇੰਟੀਜਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੇਯ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟੀਜਰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ 1 ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ 2 ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ 1 ਲਗਾ ਲਓ, 0 ਲੈ ਲਓ ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ 1, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਪੀ ਓਵਰ ਕਿਊ ਫੋਰਮ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਪ੍ਰਮੇਯ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਟਰੂ ਹੈ। ਅਤੇ 4y² + 5y ਇੱਕ 3-ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, 3-ਘਾਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ, 2-ਘਾਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਹੈ, ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਨਾ ਕਿ ਕਿਊਬਿਕ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ √7/5 ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਟਰੂ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿੰਦੂ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਡਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਟਰੂ ਹੈ, 5th ਚੈਪਟਰ 'ਚੋਂ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਧੁਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਟਵੇਂ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੁਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਰੀਜਨ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਟਰੂ ਹੈ, ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਰੀਜਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ 3 ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੰਦੂ ਇੱਕ ਹੀ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਮ ਰੇਖੀ ਬਿੰਦੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਫਾਲਸ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ 3 or more ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਰ ਓਨ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਆਰ ਕੋਲਡ ਨੋਨ ਕੁਲੀਨੀਅਰ, ਅਸਮ ਰੇਖੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਜਾਣ, 3 ਜਾਂ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਰੇਖੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਮ ਰੇਖੀ ਯਾਨੀ ਸਮਾਨ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਲੀਨੀਅਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਨ ਕੁਲੀਨੀਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਮ ਰੇਖੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਖਮ ਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕੇਲੀਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਯਾਨੀ ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀਰੋ ਦਾ ਸੂਤਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਟਰੂ ਹੈ ਇਹ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਲੈਂਕਸ ਆ ਗਈਆਂ। √9 ਇੱਕ ਡੈਸ਼ ਸੰਖਿਆ, ਦੇਖੋ √9 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ √9 ਨੂੰ 3 × 3 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ 3 ਆ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮੇਯ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮੇਯ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਸੋ ਪ੍ਰਮੇਯ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲ। ਯੂਕਲਿਡ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ? ਇਹ 5 ਹੈ ਜੀ, ਯੂਕਲਿਡ ਦੇ ਪੋਸਟੂਲੇਟਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 5 ਨੇ। ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕੋਟੀ, ਹੁਣ ਆਹ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਫੋਰਮ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? X0 ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਟੀ
यानी कि वाई कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट बोलते हैं जिन्होंने आप इंग्लिश कहते हैं ऑर्डिनेट, यानी कि कोटी वो जीरो होंगे है। एक पॉइंट तो डैश रेखावान खिंची जा सकती हैं, एक पॉइंट के बच्चों कि रेखावान खिंची जा सकती ने, अणगिणत अणगिणत इनफाइनाइट इनफिनाइट। नैक्सट है जदों दो रेखावान एक दूजे को कटदिया हैं तो डैश कोण बराबर होंगे, आ दो लाइनस कट गई तो किड़े एंगल्स इक्वल होंगे आ, शिखर सन्मुख कोण, शिखर सन्मुख वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे आ। कहना जिन्ह आकृतियों का रूप और आकार दोवें समान हो, रूप यानी कि इको जिहा ने ते साइज भी सेम हो वह सरबंग सम आकृतियां होंगे ने, सरबंग सम कॉनग्रुएंट कॉनग्रुएंट फिगर्स। तीन घात वाले बहुपद नूं डैश कहिंदे हन, तीन घाती इंग्लिश आऊगा क्यूबिक, अ पोलीनोमियल ऑफ डिग्री थ्री इज कॉल्ड अ क्यूबिक पोलीनोमियल। हाँ जी, ये नाल एक एक नंबर वाले क्वेश्चन होंगे ने कंप्लीट। आ जाने हूँ आप दो नंबर वाले क्वेश्चन से, उन्हां चो पहला है कि नंबर लाइन ते रूट थू टू नू रिप्रेजेंट करना है, उहदे लई की करांगे आपां, इहनूं मैं इत्थे सोल्व करदा, आपां एक लाइन लगा लांगे इस तरह, उहदे उत्ते किते जीरो मार्क कर लांगे, तो एक कोई खास यूनिट ले लेंगे, वो यूनिट अपनी मर्जी है आपां केड़ी रखनी है, 2 सेंटीमीटर की 3 सेंटीमीटर की। मान लो मैं 2 सेंटीमीटर की यूनिट रख लेना, 2 सेंटीमीटर होगा पर यह एक यूनिट होएगी, एक इकाई जिन्हों असी कह सकते हैं। हाँ जी, हुण इत्थे 90 का एंगल बनाना है आपां, इत्थों दी जिवें तुहानूं पता ही है कि 90 का एंगल लोअर क्लासेस च तुसीं बनाते रहे हो, जिन्ना इधर आप लिया एक यूनिट 2 सेंटीमीटर का, इधर भी 2 सेंटीमीटर का एक यूनिट ले लेंगे आप, इत्थे तक आ गया मान लो 1 यूनिट एक इकाई। फिर की करांगे आपां, इहनूं इहदे नाल जॉइन कर देंगे, ये अपना हो जाएगा कर्ण, मान लो ये ओ है, इत्थे आ गया ए, इत्थे आ गया अपना बी, तो जिहड़ा ओ बी है ये वर्गमूल 2 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम राही की आ जाएगा अपने को करण दी 2, ओ बी दी 2, बेस ओ ए ओदी 2, प्लस परपेंडिकुलर यानी कि लंब ओदी 2, ओ बी दी 2 बराबर ओ ए एक इकाई है वह लड़ा आप, 1 दी 2 प्लस ए भी एक इकाई है 1 दी 2, तो आजगा 1 प्लस 1 ओ बी दी 2, तो ओ बी दी 2 आ गया 2, तो ओ बी इधरों वर्ग छड़ांगे तो उधर वर्गमूल 2 बन जाएगा, सो यह आ जाएगा अपने को √2। हुण की करना, हुण प्रकार दी नोक रखनी है इत्थे, ते पेंसिल पहुँचा लेनी है इत्थे। हाँ जी, प्रकार दी नोक इत्थे, पेंसिल दी नोक इत्थे, ते इन्नी प्रकार खोल के इस तरह एक चाप लगा देनी है, आर्क लगा देनी है, तो यह जो होएगा ये होएगा वर्गमूल 2 अपना नंबर लाइन ते। आ चीज़ करनी है जी इस क्वेश्चन दे विच आपां। हाँ जी, आउने हैं नैक्सट क्वेश्चन ते, इहनूं सोल्व करना, पहला पहली ब्रैकेट चो फस्ट नंबर, सैकेंड ब्रैकेट पूरी दी पूरी, फिर फस्ट ब्रैकेट चों सैकेंड नंबर दी टर्म, दूजी ब्रैकेट सारी, इहनूं इहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे 6, फिर माइनस 3√2, फिर इहनूं इहदे नाल 2√3, फिर इहनूं इहदे नाल -√3 × 6 दे अंदर आ जाऊगा। देखो सारियां टर्म्स अलग अलग ने, जिवें तुसीं देख सकते हो
आह किसी नाल नहीं मिलता, एच रूट टू, एच रूट थ्री, एच रूट सिक्स है। सो ये सारे अलग अलग ने, इस तो अगे का कुछ नहीं कर किया जा सकता, यही आंसर बन जूगा अपना। सिक्स क्वेश्चन है, पिछले सैंपल पेपर च भी हैगा सी, सो मैं इन जल्दी जल्दी कर दिना। आ अपन दिता हुआ या हुण इत्थे एक्स प्लस वाई प्लस डबल्यू प्लस जैड, ये बनेगा 360 डिग्री पूर्ण कोण। आप सिद्ध करना ए ओ बी नूं एक रेखा। हाँ जी, एक रेखा किवें सिद्ध हो सकती है, जेकर आह किसी तरीके एक्स ते वाई का जोड़ 180 बना दिए। सो डबल्यू प्लस जैड है जिहड़ा, उहदी जगह ते एक्स प्लस वाई भर सकते हैं क्योंकि बराबर आ, प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। इंग्लिश मीडियम वाले लिखणगे कंप्लीट एंगल। तां इत्थों ये क्यों आया, क्योंकि एक्स प्लस वाई बराबर है डबल्यू प्लस जैड दे, तां ये आ गया 2x + y, क्योंकि दोनों दो बार ने, आ इधर कट्टे जाऊगा 180 डिग्री। तो एक्स प्लस वाई तो मिलके 180 बन गया, दो एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन ते ही 180 बनाते हैं, तो इतों आ जाऊगा ए ओ बी एक रेखा है, ए ओ बी एक रेखा है, ए ओ बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। आ जाने नैक्सट क्वेश्चन, तो भी पिछले सैंपल पेपर करके आए आप, आ एक्स ते आह पैरेलल दित्तियां समांतर, तां देखो की बनता पाया, जैड बनता पाया, तां किहड़े कोण होणगे इह एकांतर अंदरले कोण, एकांतर अंदरले कोण मैं पूरा नहीं लिख लिया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तुसीं पूरा लिखना होएगा। उस तो बाद अगे गल करिए, हाँ जी फिर अगे दोबारा देखिए इनू, तो आ देखो इतों आह इस तरह, तो फिर इतने फिर जैड बनता पाया, तो आ पूरा कोण आ पूरे कोण के बराबर होगा, हूँ 50 डिग्री प्लस वाई ये आ जाऊगा 127 डिग्री, ये फिर यही रीजन एकांतर अंदरले कोण, तो वाई आ जाऊगा 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री करके वाई आ जाऊगा 77 डिग्री इसका आंसर। अगे आ गए जी अपने को चार चार नंबर के प्रश्न। पहला है कार्टीजियन प्लेन दे विच किसे पॉइंट दी स्थिति पोजिशन निर्धारित करने वाली लेटवीं अते खड़वीं रेखा दे नाम। हाँ जी, जिहड़ी लेटवीं हुंदी आ ओह हुंदी आ होरीजोंटल लाइन, होरीजोंटल लाइन नहीं सॉरी, ओह हुंदी आ अपने कोल एक्स एक्सिस, होरीजोंटल लाइन नूं की कहिंदे आ एक्स एक्सिस, ते खड़वीं नूं वाई एक्सिस, वर्टिकल नूं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आ हुंदी आ एक्स एक्सिस जिवें तुसीं देख सकदे हो लेटवीं, ते खड़वीं वाई एक्सिस, वाई धुरा एक्स धुरा ते वाई धुरा, इन्हां दो रेखावां तों बने समतल दे हरेक भाग दा नां, इहनूं कहिंदे आ चौथाई यानी कि क्वाड्रेंट, जां फिर कहिंदा चित्र नूं देख के आंसर लिखणे ने, बी दे निर्देशांक बी -5 ते 2, सी सी दे निर्देशक अंक एक्स वल 5 ते वाई वल -5, -3 ते -5 की तो बनता, एक्स का इधरों -3 ते उधरों -5 ई बनता है, तो 2 ते -4 एक्स का 2 कितने आहा ते इधरों -4 जी बनता पाया। नैक्सट है एक सम दो भुजी त्रिभुज का प्रमाप आ दियाँ, हाँ जी ये पिछले सैंपल पेपर से किया क्वेश्चन, सो इन रिपीट नहीं करांगे, जरूर फिर टाइम वेस्ट करना आपां, उहदा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन च दे दूंगा उस वीडियो का भी, उह चो तुसीं देख सकते हो। एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी जिहदे विच ए सी ते डी इक्वल ने, ए बी एंगल ए नूं सम दुभाजित करदी है, सिद्ध करो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्गुएंट है ट्राइंगल ए बी डी दे, ए सी ते ए डी इक्वल ने, हाँ जी ए सी ते ए डी इक्वल ने, ए बी ए जिहड़ी एंगल ए नूं सम दुभाजित करती है, आ ते आ बराबर दित्ते हुए आ 1 ते 2, आ इहदे बराबर दित्ती हुई आ, सिद्ध करो कि ए बी सी एक आ इधर बनती पई है, एक आ इधर बनती पई है, इत्थे बी है, ए बी सी ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल दे कॉन्ग्रूएंट है, सो ये किवें सिद्ध करांगे आपां, हाँ जी इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, देखो ए सी इज इक्वल टू ए डी,
ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਲਿਖਣਗੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਏ ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਏ ਬੀ ਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏ ਸੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਡੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਂਗਲ 1 ਅਤੇ ਐਂਗਲ 2 ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਏ ਬੀ ਐਂਗਲ ਏ ਨੂੰ ਸਮ ਵਿਭਾਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਏ ਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਏ ਬੀ ਬਰਾਬਰ ਏ ਬੀ ਸਾਂਝੀ ਭੁਜਾ ਜਾਂ ਕੋਮਨ ਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਭੁਜਾ ਫਿਰ ਕੌਣ, ਫਿਰ ਭੁਜਾ ਐਸ ਏ ਐਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਏ ਬੀ ਸੀ ਕੋਨਗਰੂਐਂਟ ਟੂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਏ ਬੀ ਡੀ ਕਾਹਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਐਸ ਏ ਐਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਇਸ ਲਈ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਏ ਬੀ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਹੈ, ਰੇਖਾ ਐਲ ਇਸ ਦਾ ਲੰਬ ਸਮ ਵਿਭਾਜਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬਿੰਦੂ ਪੀ ਐਲ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ ਪੀ ਬਿੰਦੂ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਦੂਰੀ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਏ ਬੀ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਏ ਬੀ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਰੇਖਾ ਐਲ ਇਸ ਦਾ ਲੰਬ ਸਮ ਵਿਭਾਜਕ ਹੈ। ਆ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲ ਐਲ ਲੰਬ ਸਮ ਵਿਭਾਜਕ, ਯਾਨੀ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਐਂਗਲ 90 ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਲੰਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈਸੈਕਟਰ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ 90 ਦਾ ਐਂਗਲ ਅਤੇ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਪੀ ਐਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕੋਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਪੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਊ ਲੈ ਲਓ ਚਲੋ, ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਏ ਪੀ ਅਤੇ ਏ ਪੀ ਅਤੇ ਬੀ ਪੀ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਅਤੇ ਆਹ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਕੋਨਗਰੂਐਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਏ ਪੀ ਕਿਊ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਬੀ ਪੀ ਕਿਊ, ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਏ ਪੀ ਕਿਊ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬੀ ਪੀ ਕਿਊ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਏ ਕਿਊ ਬਰਾਬਰ ਬੀ ਕਿਊ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਿਵਨ ਇਨ ਲੈ ਲਓ ਐਂਗਲ 1 ਇਹਨੂੰ 2, ਐਂਗਲ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ 2 90 ਡਿਗਰੀ, ਅਤੇ ਪੀ ਕਿਊ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪੀ ਕਿਊ ਸਾਂਝੀ ਭੁਜਾ ਕੋਮਨ ਸਾਈਡ। ਲਓ ਜੀ ਸੋ ਸਾਈਡ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਹੋਈ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਏ ਪੀ ਕਿਊ ਸਰਬੰਸ ਸਮ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬੀ ਪੀ ਕਿਊ ਦੇ, ਕਾਹਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਐਸ ਏ ਐਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਨਗਰੂਐਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਰਬੰਸ ਸਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਬਰਾਬਰ, ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਏ ਪੀ ਉੱਧਰੋਂ ਬੀ ਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਵਿਚ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਏ ਪੀ ਬਰਾਬਰ ਬੀ ਪੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਹ ਅਤੇ ਆਹ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੀ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਟੀ ਰਾਹੀਂ, ਬਾਏ ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਟੀ, ਬਾਏ ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਟੀ, ਵਿਚ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪੀ ਕੌਮਾ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੀ ਇਜ਼ ਇਕ ਡਿਸਟੈਂਟ ਫਰੋਮ ਏ ਐਂਡ ਬੀ, ਪੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਇਡਿਸਟੈਂਟ ਫਰੋਮ ਏ ਐਂਡ ਬੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ 11th ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਧੁਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਦੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ 4 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 4-0 ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਬੀ ਬੀ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਹੈ 0-3, ਸੀ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਹੈ -5-0, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ 0 ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 0 ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਾਈ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 0 ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੀ ਹੈਗਾ ਵਾਈ 'ਤੇ ਤਾਂ -4 ਜ਼ੀ ਓ ਸੋਰੀ 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 ਸੋਰੀ
वाई वाले लिए 0 पहला, -4। ई 2/3 लिखा है, इतने तो 2/3,0। लो जी ये हो गया अपना ए वाला क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाने एक ट्राइंगल का खेत्रफल पता करो, एरिया पता करना है जिस दिया दो साइड्स आया तो पैरीमीटर आया, ये भी किया हुआ जी पिछले चप्पा सैंपल पेपर, सो इन रिपीट नहीं करांगे। आ नवा क्वेश्चन है जी, केस स्टडी आ गई, बच्चे पूछते होंगे सी केस स्टडी की होंगी है जी। लो जी ये केस स्टडी एवें दी होंगी आ, जिस अपनी जनरल लाइफ के अपने आले दुआले दे विच्चों कोई ना कोई एग्जाम्पल चक के वो बेस से कोई क्वेश्चन बनाया होंगे। हाँ जी ये कोई मेला जहाँ लग्या होया उ ट्राइंगुलर शेप के झंडिया लगिया हुई जिमें तुम देख सकते हो, उनकी साइड्स है ए बी ते सी। हुण पहला तो हरेक झंडी का परिमाप की होएगा, तिना का जोड़ ए प्लस बी प्लस सी, 25 + 25 + 22, 25 25 50 ते 70 72 72 सेंटीमीटर पहला आंसर आ गया। कहना हरेक झंडी का खेत्रफल पता करना है। हाँ जी पहला तो आप एस कढ़ांगे, एस की हुंदा ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, यानी 72/2 कि ना आजगा 36 सेंटीमीटर। फिर एरिया कढ़ांगे, एरिया खेत्रफल हरेक झंडी का खेत्रफल रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। वैल्यूज़ भरते हैं, 36 × 36 − 25 × 36 − 25 × 36 − 22। हाँ जी रूट आ 36 × 11 × 11 × 14 आ हुंदा 6 × 6 आ 11 दे भी पेयर बन गए, आ एक 14 है, सो 6 बाहर 11 बाहर रूट 14 66 × ये वैल्यू दी हुई है 3.74। मल्टीप्लाई करांगे 3.74 नो 66 से 6 × 24 2 7 × 6 42 ते 2 × 44 4 6 18 4 22 4 4 2 2। हाँ जी 6 × 24 2 7 × 6 42 ते 2 × 44 4 कैरी करेंगे 6 × 18 4 22 ठीक है 4 4 8 4 2 6 4 2 2 छड़ के पॉइंट 246.84 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये हरेक झंडी का खेत्रफल इन्ना आ गया अपने कोल। हुण उन्हें की पूछा अगे, कहिंदा 300 झंडियां बनाउणियां ने किन्ने कपड़े की लोड़ पेगी मीटर स्क्वेयर च। पहला तो 300 झंडियां दे लई कपड़ा सेंटीमीटर स्क्वेयर च कढ लैंदे आ, 246.84 × 300। हाँ जी 3 ना मल्टीप्लाई करिए, 2 तो जीरोज ने वो च एडजस्ट हो जाएगियाँ पॉइंट, 4 × 3 = 12 1 8 × 3 = 24 1 25 2 6 × 18 = 22 4 × 3 = 12 2 14 1 2 × 3 = 6 1 7 आ जूगा भी ते 2 2 0 लगावांगे फिर 2 छड़ के पॉइंट लगा देंगे आ चीज़ बन जूगी इन्ने सेंटीमीटर स्क्वेयर। पर उन्हें क्या मीटर स्क्वेयर च, इन्हें मीटर स्क्वेयर च बदल दें 7 4 0 5 2 ओवर। एक बार सेंटीमीटर तो मीटर च बदलना हो 100 नाल डिवाइड होंगे, मीट सेंटीमीटर का स्केयर है तो 100 नाल 2 बार डिवाइड होएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 7.4052 मीटर स्केयर ये आंसर आ जाएगा यदा। फिर अगे कहता 200 प्रति मीटर की 2 हो 300 झंडिया तो खर्च, तो ये चौथे का आंसर क्ढन लिए आ चीज़ में मल्टीप्लाई करा 200 के नाल, रुपए 200 × 7.4052 सो रुपया च दुगना करते हैं, 2 × 4 2 × 5 = 10 1 2 0 0 1 आ गया 2 × 8 2 × 7 = 14 तो आ 2 0 1 2 3 4 1 2 3 4 इन्ना रुपए
1.08 1.04 आ जूगा इहदा फाइनल पार्ट का आंसर अपने कोल। हाँ जी नैक्सट 13th क्वेश्चन है, ट्राइंगल ए बी सी विच एंगल ए का समद्विभाजक ए डी है। सारे 7 चैप्टर के क्वेश्चन किसी की डायग्राम नहीं दी हुई, थोड़ा जहा 7 चैप्टर औखा पाया होया है। ए बी सी ट्राइंगल है, एंगल ए का समद्विभाजक है। चलो ट्राइंगल ए बी सी लेने पहला था, ए बी सी एंगल ए का समद्विभाजक वन ते टू बराबर ने, ए डी है जो बी सी उत्ते लंब, आ 90 है, ये क्या होया अपन परपेंडिकुलर है। शो करना है कि ए बी एंड ए सी दे आर इक्वल, तो जो दो साइड्स इक्वल हो गया तो ए बी सी सम दो भुजी बन जूगी। सो आ एक दिता हुआ अपन, ठीक है जी, ये अपन वरतेंगे ये एंगल साइड एंगल वो लग जानी अपनी। सो ट्राइंगल लेने ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, त्रिभुज ए बी डी अते त्रिभुज ए सी डी विच। हाँ जी पहला तो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू दिता है, उन्हें कहा सी ना कि उहदा समद्विभाजक उत्थों आया अपने को दिता है गिवन। फिर ए डी ए डी कॉमन हो जाऊ, ए डी बराबर ए डी सांझी भुजा या सांझा कॉमन साइड या कॉमन। फिर आह इन तीन ते चार ले लो, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर 90 डिग्री विच इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रूएंट टू, यानी कि सरबंग सम है ट्राइंगल ए सी डी दे कादे राही एंगल फिर एक साइड हुई फिर एक एंगल, देखो एंगल फिर साइड फिर एंगल तो हो गया ये। हुण ये सरबंग सम हो गया तो इन्हां दे संगत भाग कोरसपोंडिंग पार्ट्स इक्वल होणगे, तो उत्थों ए बी ते उधरों ए सी बराबर हो जाएंगे, विच इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू ए सी सी पी सी टी राही बाय सी पी सी टी, विच इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलस, यानी कि त्रिभुज ए बी सी सम दो भुजी है। ओके जी आ गए हुण आपां 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन ते। कहिंदा क्या होया इस सैकेंड चैप्टर चों है, इह इसका एक गुणनखंड है तो के लभना, एक्स माइनस वन नूं जीरो दे बराबर कर देंगे, उत्थों एक्स आजूगा अपने कोल वन, इहनूं भरांगे इहदे विच, इहनूं मान लैंदे आ पी एक्स, तो क्योंकि गुणनखंड दिता है तो पी वन जीरो दे बराबर होगा, पी वन यह पी एक्स लिख लेंगे इहनूं पहला, पी वन उहदे विच एक्स की जगह पर वन भर के इहनूं जीरो दे बराबर रखना, विच इंप्लाइज चार उहदे नाल एक की पावर तीन प्लस तीन उहदे नाल एक की पावर दो माइनस चार गुणा एक प्लस के इहनूं रखना जीरो दे बराबर, इहदे करके आ चार हो गया आह तीन हो गया माइनस चार हो गया प्लस के हो गया बराबर जीरो, माइनस चार ते प्लस चार कट्टे गए तीन प्लस के बराबर जीरो, तो विच इंप्लाइज के बराबर आ उधर जाके कहदा हो जाएगा माइनस, ये आंसर आ जाएगा अपने को। हाँ जी ये और दे विच है मिडल टर्म नूं स्प्लिट करके भी फैक्टर्स बनाने ने, 6 5 30 हुंदा ते 15 2 20 30 हुंदा, 15 ते 2 तो 17 भी आ जांदा, सो 6x² प्लस 2x प्लस 15x प्लस आह 5, सो इनू लिख सकते हैं 2 × 3 दोनों इक्को जिहा की है 2 ते x, तो रह गया अंदर 3x प्लस आ सारा ही बाहर चल गया तो उस जगह 1 आ जाता हुंदा, इनू गुणा 1 लिख सकते हैं प्लस आ हुंदा 5 × 3 5 बाहर चला गया अंदर आ गया 3x प्लस इनू 5 एकम लिख सकते हैं 5 बाहर चला गया तो जगह 1 अंदर वाले 1 ब्रैकेट च आ जाते होंगे तो बाहर वाले 1 ब्रैकेट च आ हो गया अपना आंसर बन गए गुणनखंड, ये 6 नंबर चाहना देख लो। ओके जी अगे आ गया अपने कोल क्वेश्चन, इनू
गुण खंडीकरण करना ये फैक्टर बनाने ने 8x की क्यूब इन लिख सकते हैं 2x की क्यूब प्लस 27 हों 3 का क्यूब तो वाई वह क्यूब बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब देखो प्लस वाला आया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपने को फॉर्मूला होंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² बस आ लभने औखे होंगे आ अपना अंदर ए का काम करेगा आह बी का हूँ आ इतों आ 3 आ जाना आ ए जड़ा 2x वह देखो स्केयर कर देना गुणा वेद आ बी 3y लिख देना प्लस आह 3 आ गया गुणा ए आ गया 2x गुणा बी का स्केयर बी है अपना 3y वह स्केयर फार्मूला जरूर लिख दे ये बराबर होंगे ए प्लस बी दे क्यूब दे इत लिख दे चाहे सो ए चीज़ अगे लिखी जाऊगी आ इतों ए चक लिया इतों बी चक लिया तो वह क्यूब अगे नू 3y लिख देना 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y लो जी ए आ गया इहदा आंसर हो गया गुणनखंड। हाँ जी ये जेकर एक्स प्लस वाई प्लस जैड जीरो हो दिखाना आह हूँ पहला आपां नू इहदा फार्मूला लिखना पैना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जैड क्यूब माइनस 3xy जैड ये बराबर हुंदा किते एक्स प्लस वाई प्लस जैड एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जैड स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जैड माइनस जैड एक्स दे आ फॉर्मूला हुंदा अपने कोल। हुण उन्होंने कहा एक्स प्लस वाई प्लस जैड बराबर जीरो भरन ते पुट ये भर दें तो की आ जूगा अपने कोल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जैड क्यूब माइनस 3xy जैड बराबर जीरो गुणा आ सारी चीज़ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जैड स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जैड माइनस जैड एक्स आ सारा बन गया सामने जीरो की आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जैड क्यूब माइनस 3xy जैड तो आ की इन उधर भेज देंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जैड क्यूब बराबर 3xyz सिद्ध हो गया हैंस प्रूव्ड। आ जाने नैक्सट क्वेश्चन ते जो कि आई थिंक लास्ट है इहदा फस्ट पार्ट है पी ओ वाई आ 90 दिता हुआ तो ए रेशो बी दिते हुए तो ए आजूगा अपने को 2x ते बी आजूगा अपने को 3x ਤਾਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਸੀ ਹੋਣਾ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਓਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ 90 ਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲਾ ਵੀ ਕੀ ਬਣੂਗਾ 90 ਤਾਂ 2x ਪਲੱਸ 3x ਬਰਾਬਰ 90 ਡਿਗਰੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 5x ਤਾਂ ਐਕਸ ਆ ਜੂਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਬਟੇ 5 18 ਡਿਗਰੀ ਐਕਸ ਆ ਗਿਆ 18 ਡਿਗਰੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਬੀ ਦੀ क्योंकि बी तो सी एक सीधी रेखा तेने 180 बनाएंगे तो बी कट लो ए की लोड़ नहीं हैगी बी आ गया 3 गुणा 18 डिग्री बराबर 18 54 डिग्री हूँ यानी कि नाओ हूँ बी प्लस सी बना देने 180 डिग्री लीनियर पेयर रेखी जोड़ा तो ये बी 54 डिग्री भर दो प्लस सी बराबर 180 डिग्री ये उधर जाके माइनस हो जूगा सी बराबर 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री तो 54 तो 6 60 तो 20 126 डिग्री आंसर आ जूगा तो सी आ गया कि अपना। हाँ जी ये जो और क्वेश्चन उन्होंने देख लें आ ये समांतर दिती हुई है तो जी ई डी आ सारा कौन आ 126 डिग्री ए जी ई एक तो आ लभना पहला फिर जी ई एफ आ वाला लभना तो ई जी एफ आ भी लभना पहला ए जी ई लभदे हाँ एंगल ए जी ई। हाँ जी देखते हैं ध्यान दे नाल ब्लैक वर्त लेंगे आ देखो आ समांतर दिती हुई ने आ देखो आ इतों आया इतों हेठ आया इतों इधर आया की बनता पाया आ जैड के अंदरले कोण ने एकांतर अंदरले कोण हो गए मतलब ए जी ई 126 के बराबर हो जूगा 126 डिग्री एकांतर
अंदरले कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी, पहला मिल गया आंसर नंबर वन। हुण जी ई एफ लभना, जी ई एफ एंगल जी ई एफ प्लस आपां देखदा पिया 90, ये दोनों मिलके 126 च आते पे ने, तो यह बराबर हो जाएगा 126। एंगल जी ई एफ की आ जाएगा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री 36 डिग्री। ये आ गया अपना आंसर नंबर दो। हुण रह गया अपना ई जी एफ, ई जी एफ हुण आ दोनों मिलके की बनाते पे ने, एक रेखी जोड़ा एंगल जी ई एफ प्लस एंगल ए जी ई, जी ई एफ ते ए जी ई बराबर 180 डिग्री रेखी जोड़ा लीनियर पेयर। तो ए जी ई ए भर दें 126 डिग्री, एंगल जी ई एफ प्लस 126 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ये तो जाके माइनस हो जाएगा, जी ई एफ बराबर 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, 26 चार 30 ते 50, 50 चार 54 डिग्री, ये आ जाएगा इसका आंसर अपने को तीजा। सो स्टूडेंट्स, इस दे नाल ही 9th क्लास वालियां दे लई मैथ सब्जेक्ट दा जो डिपार्टमेंट वालों सैंपल पेपर आया है, एक पहला सोल्व किया सी ते कहा इसका सोल्यूशन होंदा कंप्लीट। सो एक तरह नाल ये सैकेंड सैंपल पेपर हो गया। उम्मीद करदा क्वेश्चन समझ आ गए होणगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम होई तुसीं मैनूं पुछ सकदे हो। वीडियो नूं लाइक करना, कमेंट करना ते शेयर जरूर कर देना अपने होर फ्रेंड्स ते स्टूडेंट्स दे नाल। जल्दी मिलदे किसी होर वीडियो दे विच। चैनल नूं भई जरूर सबसक्राइब करके जायो तां कि जिवें ही असीं वीडियो अपलोड करिए तुहाडे तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए ते तुसीं देख पाओ।